हाय दोस्तों नमस्कार, आज आप लोगों को हम सिखाएंगे सफ़ेद चंदन का पौधा कैसे उगाया जाता है। करीब आधा लीटर पानी में जिब्रेलिक एसिड घोलना है। आप लोग हमारे वीडियो पे लगातार बने रहिएगा, कंप्लीट जानकारी हम दिखाएंगे। बहुत ही आसान प्रक्रिया है। यह जिब्रेलिक एसिड है, पाउडर फॉर्म में यूज करना है, लिक्विड वाला नहीं। आधा ग्राम के लगभग 500 ग्राम पानी में घोल लेना है। इस पे हम थोड़े से बीजों का ट्रायल करेंगे। बीज का क्वालिटी टेस्ट भी हो रहा है। जो भी बीज हम मंगाते हैं उसका हम क्वालिटी टेस्ट करते हैं, इसलिए इसके बाद फिर आप लोगों को हम उपलब्ध कराते हैं। हमारे बीजों में अच्छी क्वालिटी होती है, वही क्वालिटी आप लोगों को देंगे। आप लोग हमारे यहाँ से चंदन के बीज ले सकते हैं, चंदन के पौधे खुद उगा सकते हैं। इन बीजों को 24 घंटे पानी में डुबा के रखना है, ज़्यादा नहीं। 24 घंटे का समय हो गया, देखिए पानी लाल हो चुका है। आप बीजों को पानी से बाहर निकाल लेना है, जैसा कि हम करवा रहे हैं, सेम यही प्रक्रिया है। आप लोग हमारे वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा, कंप्लीट जानकारी है। अगर आप लोग वीडियो ध्यान से देख लेंगे तो आसानी से आप लोग चंदन का पौधा उगा सकते हैं अपने घर पर, कोई समस्या नहीं होगी। बीज हम आप लोगों को उपलब्ध करा देंगे। फिर देखिए पानी से निकालने के बाद बीजों को फंगीसाइड लपेट लेना है। देखिए जो प्रक्रिया हम कर रहे हैं सेम यही प्रक्रिया आप लोगों को करना है, बहुत ही आसान विधि है। देखिए बीजों में हमने फंगीसाइड लपेट दिया है। अब इस पर अपने को कोकोपीट मिक्स करना है। अगर डायरेक्ट बीज हम कपड़े में लपेट के रखेंगे तो उस पर फंगस लग जाता है, अच्छा रिजल्ट नहीं आता। इसलिए अब हम नया तरीका अपना रहे हैं, इस पर हम कोकोपीट मिक्स कर रहे हैं। आप लोग भी यही प्रक्रिया अपनाइएगा, अच्छा रिजल्ट मिलेगा। देखिए कोकोपीट मिक्स करके अब इन बीजों को, ये कपड़ा जो है इसको हमने गीला किया हुआ है, पानी अच्छी तरह से इसका कपड़े का निचोड़ देना है। देखिए कोकोपीट भी गीला करके डालना है। कोकोपीट जैसे आप लोगों को गीला करेंगे, अगर उसमें पानी ज़्यादा हो जाता है तो मुट्ठी में दबा करके पानी बाहर निकाल देना है। पानी नहीं रहना चाहिए, केवल कोकोपीट गीला होना चाहिए। फिर इसको गठरी बना करके हम कार्टून में पैक करेंगे। भूसे में भी आप लोग दबा सकते हैं ताकि वहाँ पर गर्मी पैदा हो, बीजों का अच्छा जर्मिनेशन होगा। देखिए अब इसको हमने डबल कपड़े में लपेट करके फिर एक प्लास्टिक बैग में पैक करके रखना है। सेम प्रक्रिया आप लोगों को भी करनी है। देखिए इस बीज को हम पैक कर दिए हैं, अब इसको हम कार्टून में पैक करेंगे। देखिए आज हम 10 दिन के बाद इसको खोल रहे हैं। जिन बीजों में फूटा हुआ गया होगा उनको अलग कर लेते हैं। देखिए एक एक बीज को चुन लेते हैं, बाकी बचे हुए बीजों को फिर वही प्रक्रिया में पैक करके रख देना है। देखिए सभी बीज हम चुन लेते हैं, जिनमें फूटा हुआ आया है, जो बीज चटक गए हैं, जैसे ही बीज चटके उनको पॉकेट में शिफ्ट करना है। आप लोग हमारे वीडियो पे लगातार बने रहिएगा, कंप्लीट देखिए। करीब इस पे 34 दाने अभी जर्मिनेट हुए हैं, देखिए सभी में चटक गए हैं। अभी देखिए हमारे 15-16 पैकेट तैयार हैं, सभी पैकेट में दो दो बीज हम डाल रहे हैं। मान लीजिए अगर डबल पौधे उगाएंगे तो किसी दूसरे पैकेट में शिफ्ट कर देंगे, एक ही पौधे रखेंगे। फिलहाल हम डबल डबल बीज सभी पैकेट में शिफ्ट कर रहे हैं। आप लोग बिल्कुल धैर्य बनाए रखिए, बहुत ही आसान प्रक्रिया है। आप लोग अपने घर पर चंदन का पौधा उगा सकते हैं। अब इस पर एक और ट्रायल है हमारा, इस पर लाल मेहंदी अभी लगा देना है। लाल मेहंदी नहीं रहती तो पॉकेट में नीचे नमी बनी रहती है, जिससे चंदन के पौधों की रूट सड़ जाती है, विकास नहीं हो पाता, पौधे पीले पड़ जाते हैं। इसलिए लाल मेहंदी भी साथ में लगा रहे हैं। यह एकदम से नया ट्रायल है, हमें विश्वास है अच्छा रिजल्ट आएगा। इसका अगला वीडियो भी हम करीब 15-20 दिन बाद आप लोगों को दिखाएंगे, जब इन पर पौधे निकल आएंगे। देखिए सेम प्रक्रिया यही करनी है जो हमने किया है, सभी पॉकेट में हमने बीज शिफ्ट कर दिया है, फिर हमने ऊपर से कोकोपीट डाला हुआ है ताकि बीज आसानी से निकल सके। मिट्टी में बीज थोड़ा फंस जाते हैं, इसलिए हम कोकोपीट यूज कर रहे हैं।
अब इस पर अपन फंगीसाइड है साफ कंपनी की, पानी में घोल करके उसी से एक बार सिंचाई कर देते हैं। वैसे भी बारिश का सीजन है, ज़्यादा सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, केवल यही प्रक्रिया है। जय।